समझ गई ना बेटी, अब तुम शुरू हो जाओ। निकालने के लिए लोहे का कलेजा और फौलाद का फेफड़ा चाहिए। पिताजी जा बेटी जा, एक गिलास दूध का पी ले। छोटे तेरी इतनी मजाल कि उस्ताद जी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है और उसका मन बढ़ा रहा है, वो कैसे नहीं गाना सीखेगी। चल जा, चले हाँ जल्दी से। रहने दीजिए रहने दीजिए, जब बच्ची अपनी मर्जी और शौक से इस फन को सीखना नहीं चाहती तो जबरदस्ती से फायदा। इस फन को घोल कर गले के नीचे उतारना हकीम और डॉक्टरों का काम तो हो सकता है, हमारा नहीं। रही कलेजे और फेफड़े वाली बात, तो माफ कीजिए, मौसीकी बदकिस्मती से रूह की गिजा है, पेट की नहीं, समझे। जी हाँ उस्ताद जी, चाहिए सही मेरा रुमाल। जी लाया। दीदी दे दो ना, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है। उस्ताद जी वो तो बेवकूफ लड़की है, मैं समझा कर लाती हूँ, आप चल कर बैठिए। माफ कीजिए, फिलहाल मेरा रेडियो प्रोग्राम है, फिर कभी सही। आप नाराज हो गए छोटे। मेरे जूते। माफ कीजिए, बाहर ही होंगे। हे भगवान, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग तेरी पूजा करते हैं, आज से मैं भी तेरा भगत हूं। मुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे हीरो बनने का शौक है, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, छोटी सी। ये देखिए शीला, मुझे शीला दिला दे भगवान, लेकिन जो इसके माँ बाप है ना, उनका जो दिल है वो बिल्कुल पत्थर लोखंड स्टील की तरह, उनके दिल को नरम कर दे भगवान, मोमबत्ती की तरह। गोपाल, क्या कर रहा है तू? व्हाट मां, तुमने मुझे खाली फिलीट डिस्टर्ब कर दिया, देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। अच्छा अच्छा बेटे, कर पूजा कर। अब क्या होगी पूजा, सारा मेरा ध्यान भंग हो गया, अब तो मुझे मंदिर में ही जाना पड़ेगा। हे भगवान, सारे जगत को मेरा गोपाल जैसा ही बेटा दो। हे मेरे का नहीं मैला, राही हूँ अलबेला, मैं दिल का नहीं मैला। यारो कहते हैं लोग मुझे छैला, पर छैला बाबू कहते हैं लोग मुझे छैला। रूप की शहजादी है यारो मेरी लैला, रूप की शहजादी है यारो मेरी लैला। यारो कहते हैं लोग मुझे छैला, पर छैला बाबू कहते हैं लोग मुझे छैला।
जोकर कुछ निकला अपने काम से, चूड़ी बिकती देखी तो रह गया दिल को थाम के। अर दिल वालों का मेला और पैसे की बहार थी, लेकिन मेरी पॉकेट मैं क्या करता उजाड़ थी। पल्ले नहीं थी एक पाई ना पास था ढेला, राही हूँ अलबेला मैं दिल का नहीं मैला, राही हूँ अलबेला मैं दिल का नहीं मैला। यारो कहते हैं लोग मुझे छैला, अरे छैला बाबू कहते हैं लोग मुझे छैला। पाटे करता मैं जा पहुंचा फिर खेत में, चांद सी उजली लड़की बैठी थी ठंडी रेत में। अर देख मेरी सूरत पहले तो गुस्सा ले आई, चाल जो मेरी देखी कुछ शर्माई कुछ मुस्काई। कहने लगी वो मैं तेरी मेरे साजना चला, राही हूँ अलबेला मैं दिल का नहीं मैला, राही हूँ अलबेला मैं दिल का नहीं मैला। यारो कहते हैं लोग मुझे छैला, अर छैला बाबू कहते हैं लोग मुझे छैला। प्यार की धुन पे मैंने जब छेड़ी अपनी रागनी, सुन के मेरा गाना फिर छम से आई कामनी। अरे हंस के हमको देखा एक जलवा फेंका दूर से, दिल की बात को मैंने फिर कह डाला उस हूर से। मिल ही गई वो मस्तानी मेरी दिल रुबा लैला, रूप की शहजादी है यारो मेरी लैला, रूप की शहजादी है यारो मेरी लैला। यारो कहते हैं लोग मुझे छैला, अर छैला बाबू कहते हैं लोग मुझे छैला। सच बता तू बाहर कैसे आ गई? क्या मेरे दिल की कशिश तुझे खिड़की तक खींच के ले आई है? मैं तो तेरे गाने की आवाज सुन के आ गई। खैर गाना भी मेरे दिल से निकला था। शीला तेरे मम्मी डैडी हैं घर पर? मर गए। हे भगवान ये क्या अंधेर है, तेरी दुनिया में इंसान प्यार नहीं कर सकता? वाई क्यों? प्लीज भगवान तू शीला के मम्मी डैडी को ऊपर नहीं उठाता तो थोड़ी देर के लिए घर से तो हटा दे भगवान प्लीज। ओ नो ओ प्लीज ओ डैडी ओ मम्मी तुम हमको मारना को चाहता है? ओ नो मम्मी ओ नो मम्मी हम जो मांगता है भगवान उसका उल्टा ही करता है हमेशा ऑलवेज। ओ डैडी हम तो आपके लिए ट्रिपल पूल का टिकट लाया ट्रिप लाया है वो उल्टा तो नहीं होएगा लोफर? अरे डैडी ये बहुत बड़े बाबा ने दिया है एकदम पक्का सॉलिड। ओ डैडी लाइए ना ना उठा नो 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 व्हाट नो नो डैडी लाइए मम्मी आप ही लाइए अरे छोटे सब चीजें ले ली ना? हाँ हाँ दीदी सब ले लिया अब चलो। चले कैसे मीना को तो साथ ले ले। ओ हाँ तू तैयार नहीं हुई अभी तक? तुझे मैंने कहा था ना कि तू न चलना मेरे साथ। पुप्पी देख तो रही हूँ मेरे सर में सख्त दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। छोटे देख लिया इसकी हरकत? दीदी तबीयत ठीक नहीं होगी तभी तो कह रही है। अरे झूठ बोल रही है। डैडी
चलो दीदी, हम ही दोनों होकर आते हैं। बेटा तू आराम कर। देख इधर, अगर घर से बाहर गई तो पांव तोड़ दूंगी तेरा। अब चलो भी, गाड़ी छूट जाएगी। तुम चलो, मैं गोपाल से मिलके आती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। हे भगवान, तू अच्छी तरह से जानता है मैंने माल पानी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, तेरे आगे भी नहीं। आज मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे इश्क का इम्तिहान है। भगवान, डाली पे फल लगता है, निशाने पे तीर लगता है, तू मेरा ट्रिपल पूरी लगा दे। आज 45 टट्टू दौड़ रहे हैं, सिर्फ 3 घोड़े मेरी साइड पे लगा दे। ओनली 1, 2, 3। गोपाल, ओ गोपाल। ओ नो माँ, तुमने मुझे खाली पीली फिर डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा बेटा, नहीं करूंगी। देख, हम लोग पूना जा रहे हैं कर्नल साहब के घर, जब तक वापस ना जाऊं जरा मीरा का ख्याल रखना। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैंने तो सारा दिन पूजा करनी है। हा? और वैसे भी मेरी मीना से नहीं बनती। देव गोपाल, अगर मीना घर से बाहर निकली तो फिर इस घर में तेरी किसी तरह ही बनेगी, समझा? दीदी आई, छोटे आई, जाई रही मर गए। हे भगवान, तू मीना का ख्याल करना, मैं रेस कोर्स में जाके टट्टुओं का ख्याल करता हूँ। आए मर गई। आए क्या बात है बिटिया, अरे मुंह से तो बोलो, डॉक्टर को बुला लाऊं? अरे डॉक्टर क्या करेगा रामू काका, मेरी सहेली जा रही है, वो भी 2 साल के लिए। अगर मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। तो कौन सी बात है, जाओ जाके मिल लो उससे। हाय चली जाओ। अच्छा कम काका, मैं 4 बजे की गाड़ी से वापस आ जाऊंगी। हाँ? हाँ। 4 बजे? क्या बम्बई जा रही हो? हाँ। बड़े साहब तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे काका, वो तो रात में आ रहे हैं, मैं तो उनसे बहुत पहले आ जाऊंगी। बस मैं ठहर गई और फट आई, तुम मत फिक्र करो, लो इसको तुम रखो। हाँ? अजय कोई चौधरी साहब आए हैं। चौधरी साहब? वाह कैप्टन भैया, अब चश्मा लगा कर पूछ रहे हैं। आओ बहन, बहुत दिनों बाद भैया की याद आई। चलो भैया की याद तो आ गई। छोटे ये हमारे कैप्टन भैया। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऑडली। यस सर। क्यों बहन, ठंडा पियोगी या गरम? ना भैया कुछ नहीं। नहीं, दोनों पियोगी, ठंडा भी और गरम भी। जाओ लेकर आओ। अच्छा सर। क्यों भैया, आँख कुछ ज्यादा कमजोर हो गई है आपकी? अरे बहन कुछ मत पूछो, जिंदगी भर गोले बारूद से खेलता रहा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीता, लेकिन ये कमबख्त बुढ़ापा सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ वो तो है भैया। खैर छोड़ो बहन, अपनी कहो। मुझे कोई दुख नहीं है भैया, ये मेरे छोटे भाई हैं, बेचारे मेरा बड़ा ख्याल करते हैं। नहीं कैप्टन साहब, ये बात नहीं, हमारे उजड़े हुए घर में दीदी की वजह से ही रौनक है, बस यही है हमारी सबको। बस बस छोटे। अरे हाँ, अपना जवाहर बेटा कहाँ है? अरे उसका ना पूछो बहन। हाँ। वो आज यहाँ, कल दिल्ली, परसों कलकत्ता, अब पायलट बनना चाहता है। अच्छा। हाथों हाँ, हाँ, हाँ। के पर बनाकर उन्हीं पे उड़ता रहता है सारा दिन। अरे वाह, बड़ा सयाना है। सयाना नहीं, उल्लू का पट्टा है। लो सुनो भैया कैसी बातें करते हैं। बहन है? वो नाचने वाली गुड़िया कैसी है, उसकी तो शादी हो गई होगी? अब भी शादी कहाँ हुई भैया, उसी के शौकियाँ तो आपको सौंपने आए हैं, संभालिए उसे आप। समझा समझा बहन, जवाहर आपका बेटा है, ये सूना घर आपके हाथों से आबाद हो जाए, इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो छोटे, मुबारक कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहन वो शैतान का चाचा कैसा है? चाचा कैसा चाचा? अरे वो छेला क्या करता है? हाँ आजकल पूजा कर रहा है। पूजा? हाँ। किसकी? भगवान की। भगवान की। ले भैया पी। सुनिए, एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। आइए। थैंक यू। बैठिए। चलो भैया। अरे
टैक्सी, उस टैक्सी का पीछा करो, चलो जल्दी जल्दी क्विक। Thank you.
चलिए फिर चलो चलो जुड़ा बन के ओके 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 मैं ओ वाओ ओ नमस्ते माजी सर हाय साहब से मिलना है टाइम लिया था बस एक लड़की
यहाँ तो तीन लड़की आया था, मेरा मतलब है एक मीना नाम की लड़की, वो गोरी सी खूबसूरत सी जवान। कोई बात है, दे ताली। ये बात हुई ना। अरे आप लोग बैठ के ना। अरे तशरी रखिए। भाव इधर काय काय होता क्या? मेरा मतलब है इधर क्या क्या होता है? अरे यार ये भी नहीं मालूम, बता दे भाई, बता दे। इधर ना, इधर डांग उधर टक्का 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 टक्का। ओ तुम मीना के साथ आए? तो रोज नहीं दिखाई देता तू? रोज अपन तो बाहर हो, अब जरूर आऊंगा, अब जरूर आऊंगा। भाव तुम लोग जा सकते हैं। भाव इधर ये कौन सा डांस है? ये चुनाकली। चुनाकली? चुनाकली हाँ, लेटर कथकली मणिपुरी के बाद चुनाकली। ओ सर के बल। हाँ जाओ जाए। हाँ अच्छा बाबू, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। पांडे महाराज बोलो। सर आपके साथ मीना, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम किसी से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं मिलूंगी? मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूँ। आज नहीं हो, मगर एक न एक दिन तो हो जाओगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। कौन है वो? मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी एक झलक में बरसों की जान पहचान देखी है मैंने। मीना याद रखो, प्यार करने वाले हाथ गला भी घोट सकते हैं। नहीं आ, बचाओ। बताओ मीना कहाँ है? मीना जी? मीना कौन? मीना जिसे धमकी दे रहे थे। हम तो इस टेप रिकॉर्डर पर रिहर्सल कर रहे थे भाई साहब। या सॉरी। सुनिए नमस्ते, ये जो दरवाजा टूटा है इसके दाम देने पड़ेंगे। दाम विजय। अब क्या हुआ यार? यहाँ मानता है आम नहीं दाम। हाँ दाम तो दो सोचते क्या हो फिर? ये ढूंढू आया चकाली पकड़ लो। कहीं का लाओ इधर। मकान है ना जगह रहने की, क्या करेंगे? ढूंढो अपना, कुछ समझ आता है यार, मर जाएंगे बिल्कुल। क्या करें, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे जगह। ढूंढो यार। ये क्या समझ में नहीं आता, ये ना मजार है ना देवल है। हाँ। मेरे ख्याल दुकान होगी। छोड़ यार, दुकानदार किधर है इसमें? छोड़ दुकानदार बंधु, दुकान का भाड़ा नहीं दिया होगा इसलिए निकाल दिया होगा। यानी भाड़ा दो निकाल लेते हैं। ठीक तो है, आपने होटल में से निकाल दिया ना, तू तो पैसा दे दिया। होटल वाले खाना बंद किया, तू तो पैसा नहीं दिया है ना। आजकल दुनिया में पैसे के सिवा कुछ नहीं चलता। ढूंढू अपने पास पैसा ही नहीं यार। हाँ यही तो कह रहा हूँ भैया, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस दुकान को मकान में बदल कर देते। वो कैसे? आज की रात यहाँ सो जाते हैं, सुबह उठ गया साफ करते हैं। तेरा भाड़ा देने की जरूरत नहीं। तेरा जवाब नहीं, कोई आ तो नहीं रहा यार। क्या बात है? देखिए ये गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। हम लोग गुंडे नहीं हैं। वो गुंडे पीछा कर रहे हैं। वो गुंडे पीछा। नारी जाति का वो ये डरता है। ढूंढू नारी जाति को बचाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो फिर बड़ो अब्बा। बा 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 बड़ा गे मर गए। ये गुंडे पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि मैं समझ गया। आलो
अबे मामला भारी है। ओ, अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। महाराज, महाराज नहीं ये। तो क्या बात है? अभी बात क्या यार, जब शुरू के तो खत्म करना ही पड़ेगा। ये बात है। हाँ, खड़े हो जाओ। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप कहाँ रहती हैं? ये सामने वाली चाल में। अच्छा, चलो हम दोनों कोटा गए। चलिए चलना, यहाँ भी चांस अच्छा है। आइए, मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ? वाह 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 वाह। अच्छा, नमस्ते। चलो बैठ। सुनिए, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग क्या मतलब? मतलब यही कि नीचे धरती ऊपर आकाश। नहीं, क्या बोलोगे? ऊपर आकाश नीचे धरती, हम लोग ऐसे हैं। जहाँ रहते थे वहां से आका ले गए। अगर आज की रात नहीं कट जाती तो मतलब भाई तो सुबह देख लेते। आज की रात आप हमारे यहाँ काटिए। चाय मीठी थी? कहाँ रखूँ इसको? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, रखने की कोशिश कर रहा था। जल्दी मैं सर, जल्दी। अच्छा, रात में रहने का मौका दिया, सुबह की चाय भी दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम चलता हूँ। सुनिए, अगर कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो यहीं आ जाइएगा। हाँ, आया। कमाल है यार, रात को सोने की जगह मिले, सुबह चाय मिले, दोपहर खाना मिलता है। खाने की ऐसी तैसी अपने को ये मिल गया। क्या मिल गया? रिटायर्ड ऑफिसर्स नेवी अरेस्टेड। मेरा नाम क्या है? डोंडू। तुम ये क्या बकरा है? मेरे हिंदी में बोले, मारे नहीं बोल। ओ, ओ, यार सुन। हाँ। माथुरान के रहने वाले। हाँ। कैप्टन चौधरी का भांजा। हाँ। बम्बई में मारामारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उससे आपने से क्या फायदा मिलने वाला है? अपने को फायदा ये मिला कि अपने को एड्रेस मिल गया उस लड़की का। मिला? पुलिस से झगड़ा, अदालत में माफी मांगने के बाद छोड़ दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े मिलिट्री ऑफिसर का लड़का गोपाल दिनेश्वर शर्मा उर्फ छैला बाबू इस कदर लोफर और आवारा हो गया है। देख लिया दीदी, कुछ लोग पिछले नस्लों को डुबोते हैं और कुछ लोग आगे की नस्लों को खराब करते हैं। तेरा छैला आगे पीछे शूटिंग कर रहा है। हाय गोपाल, तू तो ऐसा नहीं था बेटा। लेकिन माँ, तू और मामा मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूँ? मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं रोऊं, पीटू, नाचू या कूदू? देख लिया या रीछ बंदर का मिक्सचर? मगर छोटे, वो चश्मा भी तो नहीं लगाता जब वो कह रहा है कि मीना थी तो वो।
होगी नहीं, थी 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 ता थी। क्या बकता है? बकता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने इसे देखा है, ये भागी मैं भागा। वो म्यूजिक डायरेक्टर पहले से वहां मौजूद था, ये जाके उसके टैक्सी में बैठ गई, उसके बाद हमारा झगड़ा हो गया खाली पीली। अरे ओ खाली पीली, मीना अगर सारा दिन घर में थी तो वहाँ कैसे पहुंची? अजी यहाँ नहीं थी, कहाँ थी इससे पूछो। मीना क्या घर? जल्दी आओ, सच बता तू बंबई गई थी? पुप्पी आप ही मुझ पे शक करने लगी, मैं तो सर के दर्द की मारे सारा दिन घर में पड़ी थी। हाँ अच्छा, अगर यकीन नहीं हो तो पूछो रामू से। सच बता मीना बाहर गई थी? जी नहीं मालिक, घर में थी, सारा दिन मुझसे एस्परो मंगा मंगा के खाती रही। बेटे अब मैं अभी तुझे सारा दिन जमाल घोटा खिलाऊंगा। जा बेटा जी, जाकर आराम करो, मैं अभी डॉक्टर बुलवाता हूँ। छोटे अब क्या होगा? सुन अगर बाजार से सारे पेपर खरीद कर जला दिए जाए तो शायद ये बात दब जाए। क्यों ठीक है ना? दब जाए? अरे दीदी बात तो आगे चल के होगी, याद रखना मेरी बात। तू यहाँ क्या कर, दबाओ यहाँ पे। झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ छोटे बाबू? मेरी जमीना यहाँ थी। सच तो ये है बाबू जी कि इतनी सी थी दिल्ली जितनी जब मैंने उसे गोद में उठाया, अब तो आंखों में ऐसी बस गई है कि एक मिनट को ओझलनी होती। वो देखो खड़ी है, ये देखो बैठी है, वो देखो हंस रही है, देखो देखो ना बाबू जी वो देखो। भैया जो दूसरों के लिए खड्डा खोदे वो खुद ही उसमें गिरता है। अच्छा मगर याद रखना बिना 100 दिन चोर का और 1 दिन पुलिस का। चुनौती मुझे? हाँ 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 देख लूंगा मैं। अगर भाई देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूँ। माफ करना मगर ये बंसन के कहाँ जा रही हो? तुम्हें मालूम नहीं? हाँ? आज पूजा है। हाँ पूजा है लेकिन इतना बनना सवरना का जरूरी है? क्यों? नहीं बात ये है कि सोचता हूँ कि ये गोले मुखरे में काला टीका, ये लाल लाल साड़ी, बालों में गजरा, आंखों में गजरा, अगर ऐसे में अगर तुम भाग जाओगी तो कयामत आ जाएगी। तुम क्यों घबराते हो? बात ही घबराने जैसी है, तू नहीं समझती, ये चाली है फ्लैट नहीं है। ओह इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ रहना है। मैं समझ गई, तुम बाहर जाओ, मुझे तैयार होना। जाओ अब कैसे जा सकता हूँ? तुम सवरते हो तो हम डरते हैं, ओ तुम सवरते हो तो हम डरते हैं, अरे इन अदाओं पे, अरे इन अदाओं पे सभी मरते हैं। देखो जी बहके न चाल संभाल के, देखो जी बहके न चाल संभाल के, रस्ते में दिल वाले लाखों पड़े हैं, रस्ते में दिल वाले लाखों पड़े हैं, आता है क्या क्या ख्याल संभाल के, देखो जी बहके न चाल संभाल के। बहके न चाल संभाल के,
काला टीका, चाल जैसे नशे की लहरें, तन जैसे शराबी शीशा, कोई पीना जाए यार तुम्हें प्याले में ढाल के, मेरे छलकते गुलाल संभाल के, देखो जी बहके न चाल संभाल के। दुश्मन हुआ तब जाके मिला तेरा नजारा मुझको, तुझे मेरे सिवा कोई देखे नहीं ये भी गवारा मुझको। सनम आया करो पास जरा पायल निकाल के, पतली कमर लंबे बाल संभाल के, देखो जी बहके न चाल संभाल के, रस्ते में दिल वाले लाखों पड़े हैं, कानों में दिल वाले चंचल पड़े हैं, आता है क्या क्या ख्याल संभाल के, देखो जी बहके न चाल संभाल के। मेरे बाप की मर्जी से हुई थी, मेरे बाप की शादी मेरे दादा की मर्जी से हुई थी, और तेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, यही हमारे घराने की रीत। बीमारी है बीमारी जो बाप दादाओं से चली आ रही है और जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवाहर मैं कहता हूँ तू उल्लू का पट्टा। मैं मानता हूँ। मतलब ये तू इनकार करता है? इनकार नहीं, मैं लड़की देखूंगा, पसंद आई तो ठीक है ओके। भैया तू ये कहना चाहता है कि हमने 40 साल मिलिट्री में छत पारी है, सनी आठ इनका छोकरा हमारी सिलेक्शन का इम्तिहान करेगा? नाउ नाउ डैडी डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा तू जाके लड़की दे, अगर पसंद आई तो मेरे पास मिलिट्री के पुराने बूट अब तक रखे हुए हैं, एक बार फिर तुझ पर यूज करूंगा। मैं आज ही दीदी को खत लिख के देता हूं, जा। ओके। लड़की देखेंगे। Thank you.
जी रहो बेटे, बैठो बैठो। हाँ बैठो ना। और रेखा, ये है मेरी फूफी, बहुत अच्छी है, जानती हो किसी को इनसे कभी कोई शिकायत ही नहीं होती। हाँ। नहीं रेखा बेटी, जैसा ये कह रही है वैसी मैं नहीं हूँ, और जो ये मुझे मन में समझती है जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब कहेगी फूफी। हाँ। छोटा लाल, क्या मुसीबत है, एक चीज नहीं मिलती, इस घर में जिन रहते हैं, भूत रहते हैं। पिताजी, ये है मेरी सहेली रेखा। रेखा फूफी, फूफी मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, फूफी ये है मेरी सहेली रेखा। जीती रहो बेटी, बैठो बैठो। हाँ बैठो ना। और रेखा, ये है मेरी फूफी, बहुत अच्छी है, जानती हो किसी को इनसे कभी कोई शिकायत ही नहीं होती। हाँ। नहीं रेखा बेटी, जैसा ये कह रही है वैसी मैं नहीं हूँ, और जो ये मुझे मन में समझती है जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब कहेगी फूफी। हाँ। छोटा लाल, क्या मुसीबत है, एक चीज नहीं मिलती, इस घर में जिन रहते हैं, भूत रहते हैं। पिताजी, ये है मेरी सहेली रेखा। रेखा, अरे कब से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, आखिर मीना तुम्हें याद आ ही गई। जी अंकल, पिछले हफ्ते मीना से मुलाकात हुई थी, जब इसे मिलने को जी चाह रहा था। पिछले हफ्ते कहाँ पर मुलाकात हुई थी? अपने हॉस्टल में। हॉस्टल? बात ये है फूफी, देखिए ना, जब से मैंने हॉस्टल छोड़ा है बेचारी को मेरे सपने रोज आया करते हैं। क्यों क्यों बोलना जी, मैं इसके रोज सपने देखा करती हूं। सहेली जो है। अच्छा जाओ बेटी आराम कर, थकी हुई। हाँ आराम कर, चल ना। छोटे लाल, कैसी जोड़ी रहेगी? जोड़ी? हाँ। कैसी जोड़ी? अरे गोपाल और रेखा की, कौवा और कोयल की। ए छोटे लाल, कभी तो मीठी बोली बोला कर बेवकूफ। अरे दिन रात तुम जो मीठी बोलती हो क्या कम है? हेलो मामा। क्या देखते हो मामा? भगवान की लीला देख रहा हूँ, कहाँ वो कोयल कहाँ ये कौवा। कौवा क्या मतलब? मतलब अपनी माँ से जाकर पूछ। माँ? माँ क्यों मुझे कौवा बोलता है? ना बाबा, मैं तो कल की गाड़ी से वापस जाऊंगी। अरे छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो चली जाना, मैं तो यहाँ भूल से चली आई। अरे हाँ, वो झगड़ा किससे हुआ था? पेपर में ये लंबा चौड़ा पढ़ा था मैंने। पता नहीं, मैं तो घबराहट के मारे टैक्सी में ही बैठी थी, वो वहां पहले से ही बैठा था। हाय राम, जान न पहचान और तू जाके बैठ गई। पता नहीं बेचारा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। रेखा बेटी, बाथरूम में गर्म पानी रख दिया है, जाकर नहा ले। अच्छा, अरे इतना जेवर पहन के बाहर नहीं घूमना बेटी, छोटी जगह है ना। हाँ रेखा, फूफी ठीक कहती है, तू जेवर फूफी के पास रखवा दे। फूफी तुम इन्हें संभाल के रख लो। अरे लेकिन मैं, अरे जब तेरी छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी ना तो फिर ले जाना। हाँ बेटी ठीक कह रही है, लाओ दो मुझे। यू अब कैसे जाएगी? बहन, मैं जवाहर को आपके यहाँ भेज रहा हूँ, उसका ख्याल रखना, हो सके तो मीना से मिला देना। आपका भाई कर्नल वजीर चंद। क्या करते हो? मोर की आंख मत फोड़ो, मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। हरिया जल्दी करो। ए, तुम क्या करते हो? क्या कर रहे हो?
तुम भी तो कुछ काम करो ना, खाली पे जवाबदारी कर रहा। नहीं 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 नहीं, बात ये है, एक बहुत बड़े पंडित जी ने मेरी जन्म कुंडली देखकर कहा था कि मैं पिछले जन्म में इतना काम कर चुका हूँ कि अगले 3 जन्म तक मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ क्यों नहीं, पिछले जन्म में तो आप जरूर किसी धोबी के गधे होंगे। Why not? Why not? What? You? You? अरे अभी बताती हूँ तुझे। अरे अरे देख मीना, मैं बोले देता हूँ। क्या बात है, ये कीचड़ नजर नहीं आता? मैं नहीं जानता था कि यहाँ जंगली रहते हैं। बेहुदा, बदतमीज, गंदे। कीचड़ से ज्यादा गंदी तो जबान है तेरी। शैडा, तुम कपड़े खराब किए, ऊपर से बकवास करती हो। अबे रोक कार्टून, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो डांट लगा के बंद कर दूंगा। क्या बोला? क्या बात है? देखो ना मामा, हम का गले पड़ता है। और टमाटर, क्या बात है? क्यों लाल पीला हो रहा? What do you mean? देखते नहीं, इस छोकरी ने कचरा फेंक के हमारा सारा कपड़ा खराब कर दिया। अरे तो क्या हुआ, हम साफ किए देते हैं। बेटा जरा अंदर से झाड़ू तो लेकर आ। अभी नहीं पापा। अरे नहीं नहीं मामा, हाँ झाड़ू खराब हो जाएगी। You idiot! जब नौकर ऐसे हैं, तो मालिक लोग भी जंगली होंगे। अबे वो कचालू, पहले ये बता कि बिन पूछो तू अंदर कैसे आ गया? बाहर नो एडमिशन का बोर्ड नहीं देखा? मामा ऐसे लोगों के लिए कुत्ता रखना चाहिए, बुलडॉग। नो, तुम लोग कुत्ते से कम नहीं हो। अरे अरे क्या हो रहा है? ओ जवाहर बेटा, तुम कब आए? ये सब क्या हो रहा है? देखो आंटी, तुम्हारे नौकरों ने मेरी इंसल्ट की, मुझ पे कचरा फेंका, मैं वापस जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं सबसे खबर लेती हूँ। चलो यहाँ से, चलो दफा हो जाओ, तुम भी चलो। चलो बेटा अंदर बैठो। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चलो बेटा। नहीं आंटी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चलो बेटा। चलो रेखा बेटी, इधर आओ, इन्हें अंदर ले जाओ, बैठाओ। आई आप चलिए। जवाहर बेटे, अरे मैं ये तो पूछना भूल ही गई, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अच्छे आंटी। ठीक है ठीक है, तुम दूर से आए हो, थक गए होगे, पहले नहाओ धो, नाश्ता करो, फिर बातें करेंगे। और आदर जरा गर्म पानी करके बाथरूम में रख बेटे, और बेटी जरा इन्हें रूम दिखा दे। अच्छा आंटी। तुम लोगों को शर्म नहीं लगती? आने वाले का नाम नहीं पूछा, गांव नहीं पूछा, भतियारों की तरह उसकी खोपड़ी पर सवार हो गए तुम लोग। गलती हो गई। हो गई गलती हो गई, और इस भूतनी का देखो शक्ल बना के खड़ी है। जल्दी से कपड़े बदल, जल्दी। अब तुम क्या मुंह देख रहे हो, जाओ कपड़े बदलो। मैं भी। ए रॉबर्ट, ये सब सामान ठीक कर, चिड़िया घर बना कर रखा है मनहूस। जल्दी ठीक करो, चिड़िया घर बना रखा है। देखिए ये है आपका कमरा, यहाँ आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। कहिए आपको पसंद आया? पर ये क्या, ये तो साफ होगा नहीं, आपकी साड़ी खराब जाएगी। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वाह, माफी तो मुझे मांगना चाहिए, बेकार बेचारे नौकरों पर शाउट किया। नौकर? वो तो आपने ठीक किया, मेहमान के साथ भला भी झोला कर सकते हैं। मेहमान? डैडी का लेटर आया था क्या? लेटर? मैं कुछ नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता था। क्या? कि तुम इतनी खूबसूरत हो। छोड़ी ना। नहीं छोड़ूंगा। कोई आ जाएगा तो फिर जल्दी से मेरी बात का जवाब दो। क्या बात है? तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं तुम्हें कैसा लगा? छोड़िए, बिना जवाब दिए नहीं छोड़ूंगा। बोलो जल्दी बोलो, कैसा लगा? अच्छे। सच? अब छोड़िए आंटी। अरे
जाऊंगी। क्यों? कौन सा था वो? ओ आई सी, सुन रही? ए छेड़ा क्या? हाँ नहीं नहीं तो फिर मुझे से बदला दे, मैं जाऊंगी। समझ गई। क्या? रोमांस। शट अप। तू इस तरह बाज नहीं आएगी। मैं जाके अभी उन साहब से पूछती हूँ। नहीं प्लीज। अच्छा पापा नहीं जाती। सुन एक बात तो बता, कैसा लगा? हाँ यही तो वो पूछ रहा था। सच? हाँ हाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आऊँगी। सच तेरी। जल्दी करो, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है। जवाहर बेटे। आया आंटी। जल्दी आ। ओह मामा मुझे खाने दो ना, तो मुझे देर हो रही है। माँ सॉरी आंटी मुझे देर हो गई। हाँ कोई बात नहीं। ओह हमारे घर से आंटी, ये सीन देखकर बहुत खुशी होती है कि आपके नौकर मालिक सब एक ही साथ खाते पीते हैं। नौकर? मिस्टर जवाहर, आपकी बेहतरी इसी में है कि मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं ताकि बाहर वाला सीन अंदर रिपीट ना हो। व्हाट आई मीन? व्हाट डू आई मीन? मीट मिस्टर चौधरी, यानी मेरे प्यारे मामा। चौधरी? हाँ बेटा, ये तो मेरा छोटा भाई है। डैडी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। एंड नाउ मीट हिज डॉटर, यानी मेरी बहन मिस मीना। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुरू करो बेटा, शुरू करो। ओके ओके। छुरी नहीं है मीना। हाँ आंटी। मुझे खाने दो। हर वक्त शैतानी। अब कैसे हैं आप? अच्छा। क्या हुआ था? फिट्स आ गए थे। फिट्स? पहले भी आते थे? जी नहीं, पहली बार आया है और ऐसा लगता है कि अब कई बार आएगा। क्योंकि मैं खिड़की को दरवाजा और दरवाजे को खिड़की समझ बैठा। अरे आप पे तो अभी तक असर है। लेट जाइए, लेट जाइए। जी हाँ, और अभी जाने वाला नहीं है इसलिए कि मैं तुम्हें मीना समझ बैठा। तो क्या हुआ? रेखा शादी तो मीना से तय हुई थी। किसकी शादी? मेरी। तुम्हारी शादी मीना से? हाँ। अरे सुनो रेखा, सुनो रेखा, जाओ मत, कुछ फैसला करके जाओ, नहीं तो मैं बीच में लटक जाऊंगा। मेहमान साहब की तबीयत कैसी है? क्यों री, फिर कोई सीन हुआ क्या? हाँ बड़ा सीरियस। सीरियस? क्या मतलब? वो मुझे मीना समझकर प्यार कर रहा था। मीना समझकर प्यार? हाँ मतलब ये कि वो मुझसे प्यार करने आया था। हाँ लेकिन क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उससे तुम्हारी शादी तय हुई है। शादी मेरी उससे? हाँ। डैडी, पूना, मीना मुझे माफ कर दे बहन, अगर मैं जानती तो कभी आगे नहीं बढ़ती। अब तो जान गई ना, और देख अब पीछे हटी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं समझी नहीं हूं। पगली, सहेलियां आपस में अपने दुपट्टे बदला करती हैं ना, मैंने आज से अपना नाम तेरे साथ बदल दिया। सच? मीना मेरी अच्छी सहेली। क्यों झुकी झुकी है पलके, क्यों झुकी झुकी है पलके मेरी जान, ये बात क्या है? क्यों झुकी
झुकी है पलके मेरी जान ये बात क्या है मेरे दिल मैं कैसे कह दूँ मेरे दिल मैं कैसे कह दूँ मुझे प्यार हो गया है क्यों झुकी झुकी है पलके तेरे दर पे आ गए हैं के बहार की जुबां से तेरा नाम सुन चुके हैं ये चमन महक रहा है महके तो हर्ज क्या है मेरे दिल मैं कैसे कह दूँ मुझे प्यार हो गया है क्यों झुकी झुकी है पलके हम अब लोफर नहीं है
ये देखो हम शीला के वास्ते क्या लाया है, ये देखो डैडी। रियल गोल्ड है? रियल गोल्ड, रियल डैडी। मैं शीला के लिए और लाया हूँ, ये देखिए, ये देखिए। बेटा शीला तुम इनके लिए फ्रूट दो और तुम चाप रहा नो डैडी, अभी दूसरे बाबा का हाथ ओपन टू क्लोज का नंबर आया है, ट्रिपल पुल भी आ जाएगा। आएगा और जरूर आएगा। यार अब की मत रोक यार, तू जानता है मैं मीना से बेहद प्यार करता हूँ, मैं उसे मेरे बगैर नहीं रह सकता यार। मैं क्या करूँ उसमें, पैसे कहाँ से लाऊं? टिकट के कहीं से भी लाया, एक दफा मदद कर दे। पैसे ढूंढू साहब? हाँ। दोस्ती गई खड्डे में। हाँ। आपने मुझसे 30 रुपए उधार लिए थे, 16 ही। अब मेरे पास नहीं है। नहीं है तो मैं क्या करूं साहब? अरे मैं कहां से दूं? देने ही पड़ेगा, आप लेते वो 30 रुपए कहां से दूंगा भाई? आप मेरे दोस्त हो। देखिए साहब उनका मुझे कुछ मालूम नहीं था, आप कुछ भी करिए मेरे 30 रुपए वापस कीजिए। तो फिर उतार के दो। आप कुछ भी करो मेरे को। क्या बात है? बात ये है कि मेरे दोस्त है, उधार 30 रुपए लिए थे मैंने, गाँव जाना है, पैसे मेरे पास नहीं है। जरा खड़ी मैं अभी आई। दोस्ती का दावा देते हैं, कोई बात आज नहीं, वक्त पे दोस्त बनेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी दोस्त। ये ले भाई, ये ले, ये 10, ये 20 और ये 30। ये किसके लिए? डरबी है ना, डरबी है ना रेश, ट्रिपल पुल। हाथ से नहीं छोड़ेंगे तेरी। चलो मैं जाओ, कोई बात नहीं, मैंने बहुत देखे दोस्त। सुनिए आया। आप कौन है? दुर्गा क्या बात? आपके दोस्त को बदमाश ने खेल लिए। सुनो मैं अभी आता हूं। बहुत धोखा देते हो, पैसे निकालो वरना यहां से वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पैसे मेरे पास है कहां?
एक मिनट मत, मुझे मत। फूकेगा उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मिसी मारते, उसको सीधा फूक नहीं मारता, उल्टा फूक मारता है घर में लाने के लिए। एक नया पैसेंजर आया है। पैसेंजर कैसा है? हम पूछता है रिच है या कर का, मुंडी हिलाता है गधे के माफिक, हम खुद देखूंगा। शीला देख, मैं तुझे कितना चाहता हूँ लेकिन तू घर से निकलती ही नहीं। क्या करूँ, मम्मी के हाथ के नीचे जो हूँ। एक बार स्लिप हो जाओ ना, घूम-घाम के आ जाएंगे। अच्छा संडे को चलेंगे। ओ वेरी गुड। ओ नो नो, संडे को नहीं, संडे को लॉटरी बंद है। मंडे को प्लीज, मंडे को। अच्छा। मेरे पास एक सूट है, प्लीज। कमिंग कमिंग, देखो कितना ब्यूटीफुल रूम है, हवा कितना है ना। हाँ। तुमसे अगले इस रूम में एक स्टोरी राइटर होता, उसका पिक्चर ने ऑल इंडिया सिल्वर जुबली, नो 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 नो, डायमंड जुबली किया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू गुड नेम। मिस्टर राजू तुम कैसा स्टोरी लिखता है, हंसने खेलने वाला या रोने पीटने वाला? हंसने खेलने वाला। गुड, सैड स्टोरी अच्छा नहीं, हार्ट खराब, भेजा खराब, मतलब ये कि बॉडी का अखा मशीन खराब हो जाता है। मिस्टर हम बोलते हैं तो उधर आके फाड़ फाड़ के क्या देखता है? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चोपड़ा में तुम्हारा नाम रजिस्टर करने को मांगते हैं। नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी जरा बाजार में काम है, वापस आऊंगा तब। वापस और नहीं। मैं यूं ही वहां जा रहा था, यहाँ आ गया। हाँ, धरती जरा ऊंची नीची है यहाँ की। हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं ना आया हूँ ना यहाँ। साहब से मिलना है। कौन साहब? जो अभी अभी अंदर गए वो? गोयल बाबू को जानते हैं आप? हाँ, उनसे मुलाकात हुई थी एक बार। अच्छा तो बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा गजब नहीं करना यार, दरअसल मुझे किसी और से मिलना है। किससे? सुनो तुम नौकर हो यहाँ? हाँ, समझ गया, बम्बई से आए हो बाबू जी। हाँ। मीना बिटिया से मुलाकात हुई थी। हाँ, हाँ, और गोपाल बाबू से झगड़ा और पुलिस। हाँ, हाँ, तुम जानते हो सब कुछ। हाँ। सुनो बिटिया, चिट्ठी। चिट्ठी? एक बाबूजी ने दी है, बम्बई से आए हैं। बम्बई से? बाहर खड़े हैं क्या? नहीं, चिट्ठी दे के चले गए। सुनो सुनो, किसने देखा तो नहीं? नहीं देखा नहीं किसी ने। खाना खराब किधर है? मिल गया, मिला गया। चोरी करता चोर का बच्चा। नहीं नहीं खान साहब, हम चोर नहीं है, हम एक लड़की को देखता है। लड़की को देखता है? तुमको अल्लाह ताला दुनिया में किस वास्ते भेजा? लड़की को देखने के वास्ते? बेशरम, क्या बात है? देखो बिरादरी, इंसाफ करो, कुछ इंसान दुनिया में सच्चाई का पीछा करता है वो, लेकिन ये खंजीर शरीफ लड़की का पीछा भागता है। वो बेचारी मासूम बच्ची हमारे घर में फरियाद किया। ये बहुत बुरी बात है। हाँ। ये खान, ये बदमाश ने भगा ही नहीं। ठहरो, हम खुद भागता है। आ तो बस खान साहब। अरे जाओ, की देर है, मुझे इसको मारो, बिस्मिल्लाह करो। उठो उठो खान साहब, वो हमारा बेन है, बेन है, सिस्टर है, बेन है।
मुझे अपना सर बचाने के लिए सुबेर का झूठा खान साहब उसको बुला के पूछो ना। अच्छा चलो अंदर चलो वो अभी अंदर क्या है भाई चार गुड़की मार पर्दा करो यार मत उठाओ जानवर का तेरा बात करो मीना मीना मुझे बचाओ नहीं नहीं खान साहब मेरा नाम मीना नहीं है बोल ओ खान साहब जोर से मारो खाने का हक अदा करो बराबर है मीना मीना बहन मुझे बचाओ पता ये मार डालेगा नहीं नहीं खान साहब मैं इसकी बहन नहीं हूँ मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ अरे वही मुर्दार दगाबाज हम तुमको जान से मारेगा कैसे मारेगा बचाओ बचाओ आवाज मत निकालो बकरी का बच्चा इंसान के वापस सुस्ता मर नहीं खान साहब ऐसा मत करो हट जाओ लड़की यह तुम्हारा नहीं हमारा मामला है ख्याल गुल का बाप घुस दिल को मत मारो खंजर खराब हो जाएगा हाँ खान साहब मुझे पुलिस के हवाले कर दो देवेंद्र का अफसर नहीं खान साहब मैं बदनाम हो जाऊंगी खान साहब ऐसा करो इसको दो तीन घंटे तक यही झंडो तब तक मैं अपने घर पहुँच जाऊंगी वही बराबर जाओ जाओ कुर्बान हम इस आलम को लक्ष्मी का हवाले करेंगे बदमाश नहीं हूँ खान साहब मेरे पिताजी कप्तान थे और ये चौधरी साहब है ना वो मशहूर आदमी मेरे मामा जी खामोश शरीफ आदमी के साथ झूठा रिश्ता मत जोड़ो तुम वहां चल के पूछो ना खान साहब अच्छा चलो वो लेकिन याद रखो अगर झूठा निकला तो हम तुमको पहाड़ के नीचे से गिरा देगा बकरी का बच्चा मैं चिल्लाता तो किधर है तुम्हारा माँ अंदर है चलो चौधरी साहब ये जलील आदमी शरीफ लड़कियों को सताता है परेशान करता है कुछ ये तुम्हारा रिश्तेदार है यस बोलो मामा बोलो नहीं अरे नहीं क्या हो गया आपको बुज़दिल जुड़ा मकार कुछ हम तुमको खत्म कर देगा अरे माँ माँ हाय हाय माँ अरे क्यों मार रहा है मेरे बेटे को कुछ ये तुम्हारा बेटा है बदनसीब औरत अरे छोड़ मुझे क्यों रे छोटे तू ऊंट की तरह खड़ा होकर तमाशा देख रहा है मैं क्या करूं दीदी जरा कान खोल कर अपने बेटे की करतूत सुन क्या किया है मेरे बेटे ने चोरी की है डाका मारा है आखिर क्या किया मुझे डाका मारते बहादुर इंसान ये लफंगा लड़कियों का पीछा करते अरे तू मारे राख क्या रे ये झूठ बोलता है माँ वो मीना थी बम्बई वाले से मिलने जा रही थी मैं पीछे पीछे था उसी ने मुझे फंसाया देखा ये फिर बदनाम कर रहा मेरी बेटी को जाके पूछो ना उसको जाओ पूछ 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 पूछो हा? अच्छा मीना बेटी जरा इधर तो आई पिताजी मर गए जी देखो खान यही है ना वो लड़की मैं हाँ बाबा आदमी मत छेड़ लेकिन फूफी मैं कहाँ थी ये कौन है मैं तो इन्हें जानती भी नहीं क्यों क्यों खान साहब वो दूसरा लड़की है हाँ। सुन लिया दीदी मैं सच बोलता हूँ ये झूठ बोलता है तुम खुदा का कसम खाओ खान खामोश बदतमीजा खुदा का कसम खाओ क्या जिंदगी और मौत का सवाल है कुछ सारा खानदान में खराबी है खाना खराब हे राम गोपाल तू तो ऐसा नहीं था बेटा तुझे क्या हो गया है मुझे पागल कुत्ते ने काट दिया है अरे काटेगा क्या दीदी संभालो क्या क्या है बेटी सीरियस चाहिए आंटी क्यों कहीं बाहर जाना है क्या नहीं हाँ यूं ही पहनूंगी अच्छा अच्छा दे रही अंदर की चाबी तो गोपाल के पास है
जाने को तो मैं तुम्हें दे दूंगी जेवर। अच्छा आंटी। हाँ। गजब हो गया। अरे क्या हुआ? अंधेर हो गया, अब क्या होगा? अरे बात क्या हुई ये तो बताओ। अरे बदनामी की बात हो गई छोटे, अब किसी को कैसे मुंह दिखाएंगे? हाय हाय, तुझे काम की पड़ी है, आग लगाई से बागीचे को। देखो दीदी, या तो मुझे काम करने दो या बताओ बात क्या हुई। अरे बताने जैसी बात हो तो कहूँ, चार आदमी सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि हम इन्हें बेईमानी की है। बोल दीदी क्या हुआ? मार डाल भैया मार डाल, इज्जत चली गई तो बुद्धि ना किस काम को, मार डाल। फिर भी नहीं बताएगी, सब जाने दे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब सबर कर। कैसे सबर करूं? अब रेखा को जेवर कहाँ से भर के देंगे? भर? हाँ भैया, अलमारी में रखे थे, जाने कहाँ गायब हो गए। समझ गया, ये किसकी हरकत है मैं अच्छी तरह समझ गया। मेरे गोपाल का नाम मत लेना भैया, वो भले शरारती है कुछ भी है मगर चोर नहीं है। हाँ अच्छा, जो कुछ होगा सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा, लेकिन याद रखना दीदी, इस मामले में मैं रियायत नहीं बरतूंगा, पुलिस तक लेकर जाऊंगा इस केस को। हाय हाय, तुम तो मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े हो। अभी तक तो नहीं मगर अब पड़ूंगा, आने दो उसे। गोपाल छैला, छोटे क्यों मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ा है तू? छैला बाबू। छैला बाबू जी, मैं? जी हाँ, और कौन हो सकता है, तशरीफ लाइए। श्योर श्योर ओ श्योर श्योर। बरखुरदार, वो जेवर कहाँ बेचे? जेवर? कौन से जेवर? गोपाल, मैंने अलमारी में रेखा के जेवर रखे थे बेटा, अब वहाँ पर नहीं है, अगर तू जानता है तो बता दे मेरे लाल। माँ जी मुझे क्या मालूम, और मामा जी आप मुझे चोर समझते हैं, बड़े शर्म की बात है। आज मेरे पास रहने के लिए कोई बंगला होता तो मैं आपका झोपड़ा छोड़ के आज चला जाता, बल्कि अभी चला जाता। गुड नाइट। नो गुड नाइट। देखा बिगड़ गया। दीदी तू 24 घंटे के लिए कहीं चली जा, इसे छोड़ दे मेरे पास, एक एक चीज सेवास लौंडे के सही सलामत मिल जाएगी। अब रोना धोना छोड़ो, जाकर समझा बुझा उसे। सच कहूँ भैया, मेरा दिल अभी भी नहीं कहता कि मेरे गोपाल ने चोरी की है। ये तेरे दिल का कसूर नहीं है दीदी, उस रिश्ते का है जो भगवान ने माँ बेटे में बनाया है। अब जा समझा बुझा उसे। बेटा माँ, ये मामा मुझे चोर समझता है ना? मगर बेटा इस अलमारी को तो तेरे और मेरे सिवा दूसरा कोई छूता ही नहीं। आई सी, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भी वही ख्याल है जो कि मामा का है। अब आई बात मेरी समझ में, तुम दोनों एक ही फैमिली के हो ना? गोपाल तू तो मुझसे बेकार बात कर रहा है बेटा, अगर चाबी यहाँ पर गिरी होती तो अब तक मिल गई होती। जा बेटा बाहर ढूंढ, वहीं कहीं गिरा होगा। आज तुम्हारा भेजा कहीं फट तो नहीं गया? अरे तेरा भेजा फट गया, मेरी याददाश्त उससे अच्छी है। देख रही हो रेखा बेटी, चाबी इसने कहीं बाहर घुमा दिया और कहता मेरा भेजा फट गया है, अब यहाँ कहाँ चला आ रहा है, जाकर ढूंढ ले चाबी। ओ ऐसी, अब आई बात मेरी समझ में, मैं ढूंढता हूँ। लेकिन माँ मैंने अभी तक राशन नहीं खाया। अरे राशन पीछे खा लेना, पहले जाके चाबी ढूंढ, नहीं तो अलमारी तोड़वानी पड़ेगी। हाँ रेखा बेटी, मुझसे कुछ काम था? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा राम, भगवान क्या करूं? सुखू वाले को सिंह आपका ना? हाँ। ये आपका टेलीग्राम का है? तार तार साइन करो इसके ऊपर। Thank you.
बापू मर गया कैसे मालूम हुआ? तार से। अरे ये तो अभी तो खोली तक नहीं है। हाँ। कमाल है, बापू मर गया। सिंदे, अरे इसमें लिखा है कि शादी तय हो गई। शादी? हाँ, बापू मर गया। शादी? किसकी शादी? धोखा, फरेब। बोलो ना किसकी शादी? किसके शादी? कहते क्यों नहीं? अरे निकाह शांति की शादी तय हो गई। मुझे आज तो दो। वो तो मेरी बड़ी बहन है। तेरी बड़ी बहन भी है? हाँ। चलो आज का दिन अच्छा निकला। हाँ अच्छा निकला। क्यों? शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ना मेरे पास पैसे हैं, ना बापू के पास। कैसे होगी ये शादी? सकू घबरा मत, ये ले पैसे। अगर भाई इतने पैसे? हाँ। कहीं चोरी की है क्या? नहीं, घोड़े सलामत तो तकदीर सलामत। सको। हाँ। तेरे साथ में चलो। हाँ। नहीं नहीं। क्या हुआ? बापू को मालूम हो गया तो क्या होगा? एक मंडप पे दो शादियाँ होगी तेरी मेरी साथ में। लेकिन मैंने बापू को नहीं बताया। नहीं बताया? फिर एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो। हाँ। लेकिन मुझसे अलग रहना, मैं तुमसे रोज आकर मिलूंगी। यानी मैं अलग रहूं तू अलग रहेंगे? हाँ। अब तुम बहुत रोज मिलेंगे? हाँ। अगर नहीं मिली तो? नहीं जरूर मिलूंगी। तो तैयारी कर निकलने। चलो। हाँ तो आप कितने रोज यहाँ ठहरोगे? जब तक जेब में माल है। गुड गुड गुड। आप पिकनिक के लिए आए हो ना? काम हो गया तो समझेंगे पिकनिक के लिए आए थे। बाय द वे मैनेजर, एक बात आप बताएंगे? मिस्टर चौधरी का बंगला आपको मालूम है? चौधरी? हाँ वो बहुत मशहूर आदमी है। मैं नहीं जानता, माफ कर। आप नहीं जानते? हाँ झूठ क्यों बोले। आई एम सॉरी मैनेजर, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा ये बताइए मेरा रूम नंबर? हाँ 21। 21? यही है इधर से। यस थैंक यू मैनेजर, गो अवे। क्या होगा बॉस? मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन तुम लोग जरा होशियारी से मूव करना, किसी को शुभा ना होने पाए। जाओ। ए मालिक, वो रामू कहाँ है? नौकर कौन हो तुम? धीरे धीरे बोल, कोई सुनने का तो मुझसे बता जाएगी। क्या बात है बाबूजी? जरा रामू को बुला दे, एक काम है। रामू तो बाहर गया है। बाहर गया हुआ? मुझसे कहिए ना। किसी से कहेगा तो नहीं? अरे नहीं बाबूजी, जैसा रामू ऐसा मुझे समझिए। तो फिर इधर आ। आया बाबूजी। अच्छा ये ले 2 रुपए। अरे ले ले, बाद में और दूंगा। और ये ले चिट्ठी। चिट्ठी? देख मीना है ना। ठीक, किसी को पता नहीं चले। का बाप बड़ा खड़ूस आदमी है। तुम मीना को जानते हो? मतलब है बिटिया रानी, आपको अच्छी तरह जानती है ना, मुझसे बिगड़ेंगी तो नहीं? अरे अपनी तो बहुत तगड़ी जान पहचान है। तो जल्दी जल्दी जा, देख आगे इतना मोटा जाते जाते एक हफ्ता लगा देगा। लेकिन नहीं मीना बहन, मैं आज ही पुणे वापस जाऊंगा। तुम अकेले ही जाओगे जवाहर भैया? और क्या, रेखा का तो मुझसे ज्यादा जेवरों की फिक्र है। तो क्या जेवर रहने दो? हाँ। क्यों? इसलिए कि अरे भाई तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? ऐसा करो जवाहर भैया, तुम जाकर कर्नल साहब को समझाओ, जब तक एक दो दिन में रेखा भी वहाँ आ जाएगी। कमल, अरे आप? हाँ मीना, मैंने तुम्हारे घर के कितने चक्कर लगाए, तुम्हारी प्यारी सूरत देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए मैं तरस गया था मीना। रामू ने तुमसे कहा नहीं? ओह, तो उस रोज आप ही आए थे भेष बदल के? हाँ, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मीना तुम तो एक झलक दिखाकर नजरों से ओझल हो गई, लेकिन वो पहली मुलाकात रात के सपनों में दिन के ख्यालों में आकर मुझे पागल बनाती रही। अगर आप मेरी उस दिन मदद ना करते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। मैं आपका एहसान मानती हूँ। एहसान? एहसान तो तुमने किया है मीना।
इससे पहले मेरी दुनिया वीरान थी, तुम उसमें बाहर बन के आई, मेरी खामोश जिंदगी में कदम रखते हलचल मचा दी, मुझे नया जीवन दिया। देखिए आपको जी, आप छोड़ो मीना, जब साथियों ने पहचान लिया, जब आत्मा एक दूसरे की हो चुकी, तो फिर ये बेगानापन कैसा? तुम कहो मीना। शायद आपको मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, मैं किसी और धोखे में यहाँ आई हूँ और उसी से मिलने जा रही थी जब आपसे मुलाकात हुई थी। नहीं नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे दिल की आवाज मुझे धोखा नहीं दे सकती, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती हो? नहीं नहीं करना चाहती थी, लेकिन लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। ओ, भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, शायद मैंने ही आपको गलतफहमी में डाला हो। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ, बहुत जल्द आंख खुल गई। अच्छा, नमस्ते। कौन है भाई? माली हूं। अब आया हो माली? अब तो बाकी उजड़ गया, आओ आओ अंदर आओ। हमारे सामने आओ, झिझकते क्यों हो? अरे वाह, बड़े ठाट है, बिल्कुल रईस आदमी मालूम होते हो। ये कपड़े कहां से उड़ा है? ये मेरे अपने। तब तो बड़े खुश नसीब हो यार, आज छुट्टी है क्या? संडे के दिन मैं काम नहीं किया करता। बाल बच्चे हैं ना? एक लड़की है। बैठ जाओ यार, खड़े क्यों हो? मैं बैठने के लिए नहीं, कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या बात? कुछ नहीं, मुझे मीना बेटी के बारे में कुछ कहना है। ताजा जख्मों को न छेड़ो माली। मैं माली नहीं, मीना का बाप हूँ। चलो यूं ही सही। माफ कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से भूल हो ही जाती है। अरे मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो रही थी। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। फरमाइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कल शाम को 5 बजे मेरे बंगले पर आ जाओ, जो कुछ कहना है मैं वहीं कहूंगा। लेकिन मीना अभी भी यहाँ आई थी और? हाँ, मुझे सब मालूम है। नहीं, बात कुछ और है। मैं कोई इतराज सुनना नहीं चाहता, तुम्हें कल मेरे घर पर आना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है, समझे? जी, टाटा। अरे मीना देवी। अरे श्याम बाबू, अच्छा वो आप मिल गए, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मैं भी कई दिनों से आप ही का इंतजार कर रहा था, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ? हाँ आइए ना, चलिए। आप यहाँ कब आए श्याम बाबू? कुछ ना पूछो मीना। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत परेशान से होंगे। सच है, बहुत परेशान रहा, मेरा सारा यूनिट यूरोप का टूर करने के लिए बैठा था, कैंसिल करना पड़ा। क्यों कैंसिल क्यों किया? क्यों, तुम्हारे बगैर यूनिट किया जैसे बगैर बारात दुल्हन। मीना तुम्हें याद हम पहली बार कहाँ मिले थे? म्यूजिक प्रोग्राम में। वही मुलाकात अब मेरे सपनों में आती है और मैं डरता हूँ कि हमारा प्यार कहीं सपने तक ना पहुंच जाए। श्याम बाबू, मैं घर की चार दीवारी में घिरी हुई हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। गोया तुम्हें आर्ट से, संगीत से, मुझसे कोई लगाव नहीं? मुझे गलत न समझिए श्याम बाबू। तो फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हें यूनिट के साथ चलना पड़ेगा। मैं डैडी को समझाने की कोशिश करूंगी। वो कैसे? मेरी सालगिरह आने वाली है, उसी मौके पर मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर दूंगी और अगर हो सका तो म्यूजिक का प्रोग्राम भी आप ही दीजिएगा। मीना तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अच्छा अब मैं चलूं, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ हाँ। Thank you.
कुछ नजर आ रही थी मुलाकात? हाँ, और एक से नहीं दोनों से। दोनों? दूसरा कौन? अरे वो टैक्सी वाला। टैक्सी वाला वो भी आ गया? हाँ, चिट्ठी उसी की तो थी। फिर क्या? बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर भागी रे बाबा। उफ, और नंबर दो? नंबर दो? ए, ये नंबर क्या लगा रही? आई मीन वो म्यूजिक टीचर। हाँ ऐसा बोलना, उस बेचारे का तो सारा ट्रूप जाने के तैयार बैठा है यूरोप, बस एक मेरा इंतजार है। अब क्या करेगी? क्या करूं बेचारा। कौन? नंबर एक। अरे हाँ, उस बेचारे को तो आज मैंने एक तमाचा भी मार दिया। क्यों? क्या करती? मुझसे प्यार जता रहा था, न जाने कहाँ से इतने मोटे मोटे डायलॉग याद कर आया था कमबख्त। मुझे कुछ हमदर्दी सी होती जा रही है। अब रहने दे तो अपनी हमदर्दी अपने पास। मुझे ये बता मैं क्या करूँ? बोलो। नंबर एक से शादी करके नंबर दो से म्यूजिक सीख, एक टिकट में दो मजे। यू रेखा की बच्ची। दीदी, दीदी, रामू, कहाँ मर गए सबका सब? हाय हाय छोटे, क्यों गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा है? ऐसे तो कोई बकरा भी नहीं चिल्लाता। दीदी, खबरदार तू मेरे मामले में दखलंदाजी की। छोटे, खामो। दीदी, आज से इस घर में तुम्हारा नहीं मेरा हुक्म चलेगा। माननी पड़ेगी मेरी बात, वरना माँ बेटे दोनों अभी इस घर से जा सकती हूँ। नाराज ना हो छोटे, तू जैसा कहेगा वैसा ही मैं करूंगी। सुनो, इधर आओ, कल इस घर में चाय के वक्त कुछ मेहमान आ रहे हैं। शट अप, जाओ कमरे की सफाई करो। और सुनो, इस घर की चार दीवारी में जो कोई भी रहता है, कल चाय के टाइम में सब यहाँ मौजूद रहे। तूने ही क्रिया खारा बना कर रखी। आज क्या हो गया मेरे छोटे को? ये क्या है? यही वो होटल है। हाँ? तुम इधर ठहरो। मैं ठहरो? हाँ। क्यों क्यों क्यों? नहीं, मैं तुम्हारे साथ में ठहरूंगा। एक मर्तबा कहा ना, बाबा को मालूम होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओ, गड़बड़ हो जाएगी? यहाँ गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, मगर यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। हाँ, हाँ, सोने को मिलेगा। हाँ, बिस्तर मिलेगा। हाँ, कॉट मिलेंगी, चाय मिलेंगी, वो सब मिलेंगी। हाँ, लेकिन वो कहाँ मिलेंगी? वो कौन? वो कौन? वो सबको। अकू भाई, कोई सुन लेगा तो क्या हो गया? सुन लेगा तो मैं नहीं आ करूँगा। घबराओ मत, मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी। सच? सच। देवचन घे। अरे मेरा हाथ। कहाँ जा रहा है? तुम्हारे हाथ में। जाओ ना, जाओ ना। जाता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। बॉय, बॉय, बॉय। मैनेजर साहब, मैं यहाँ का मैनेजर नहीं हूँ। ए बॉय, सुनो। मैं सुन। बॉय, आपको क्या चाहिए? मुझे, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आप देखिए, आप देखिए। हाँ, मुझे रूम चाहिए। रूम चाहिए? रूम नहीं है? नहीं, देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ। कुछ भी हो अंदर नहीं जाओ। बात ये है कि अगर मैं नहीं मिलेगा तो बात करो। मैं समझ गया। बात ये है। हाँ हाँ बोलिए, क्या चाहिए? मुझे रूम चाहिए। लेकिन कैसा रूम चाहिए? बस सोने मिले और सुबह खाने मिले, बस ऐसा। आप समझे नहीं तो समझाइए। सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए या स्वीट? स्वीट? ये क्या हलवाई की दुकान है? हाँ हाँ हाँ, आप समझे नहीं। अगर आप मास्टर हो हाँ, तो सिंगल रूम बस है। ये बात है।
और आप मास्टर और मिसिस संग में हो तो डबल रूम बस है। क्या बात, क्या बात, अगर हनीमून के लिए आए हो तो सीट रूम चाहिए। क्या बात है, मनीष साहब, यानी हर किस्म का सामान मिलता है। मुझे इस पर एक रूम चाहिए, और शादी करूंगा तो फिर आपको कहूंगा स्वीट चाहिए डबल रूम। बॉय, इस साहब का घर डालो। इंतजाम अब तो साफ हो जाए ना। आ जा बच्चा। हाँ बॉय, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आप तो खामा खा जिद करते हैं बाबू जी। देखो रामू, मीना कल यहाँ आई थी, बात खत्म हो चुकी है, अब आ जाने से फायदा क्या है? फायदा नुकसान मैं नहीं जानता, आपको बड़े सरकार ने बुलाया है, आपको चलना ही पड़ेगा। रामू, तुम मुझे ऐसी जगह ले जाकर पिटवाना चाहते हो जहाँ मेरी फरियाद सुनने वाला भी कोई ना हो? मैं सच कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी जिम्मेदारी पर चलिए। अच्छा चलो चलिए। आजे, आजे, आजे। ओहो, मैं जानता था एक ना एक दिन शिकारी अपने ही जाल में फंसेगा। क्यों बेटा, दो दफा मेरे हाथ से बच गया, आज देखता हूँ कहाँ जाएगा। अजी अजी, उनको बड़े सरकार ने बुलाया है। और चुप है, मैं खुद बड़ा सरकार। चुप है, यहाँ क्यों आया तू? बेटा तेरी पुडिंग बना के मेहमानों के सामने रख दूंगा। व्हाई डिड यू कम विदाउट परमिशन? बोल, बोल। ओहो, मामा, बदतमीज, बेहुदा। चल बेटा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। दर्ज, अब तो अपनी एक कौड़ी की वैल्यू नहीं रही। मेरे दोस्त हैरान हो रहे होंगे कि इन्हें यहाँ आने की तकलीफ क्यों दी मैंने, इसलिए कि आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच गया हूँ जहाँ एक रास्ता खत्म और दूसरा शुरू होता है। दोस्तों, आज आपकी मौजूदगी में और मेरे घर वालों के सामने मैं अपने जान से प्यारी बेटी मीना और इस नौजवान राजू की मंगनी का ऐलान करता हूँ। छोटे बैठ जाओ दीदी, आज मैं अपनी बेटी की खुशी के सामने दुनिया की, समाज की किसी चीज की परवाह नहीं करता। लेकिन दादी, खामोश। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आप रोइए नहीं, मैं आपकी जिंदगी के रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब भले किस्मत में ना हो तो माली के लाख मेरुवा होने से भी कुछ नहीं होता। यकीन मानिए, मैं अपनी तकदीर से नहीं लड़ूंगा। मगर तू तकदीर से लड़ रही है। रेखा, रेखा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तू ही मुझे कुछ रास्ता दिखा पाए। रास्ता? की उम्र दराज हो
तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो वो जमाना आए, खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज हो, तेरे प्यार ने प्यार लूटने वाले जा, तू तमाम उम्र जवान रहे, मेरा प्यार लूटने वाले जा, तू तमाम उम्र जवान रहे, तेरी जिंदगी में बहार, तेरी जिंदगी में बहार हो, मेरी जिंदगी में खिजां रहे, मेरे साथ हो मेरी बेबसी, तेरे साथ नगमा साज हो, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, तेरे प्यार ने कहीं और चल मेरे दिल यहाँ, कभी लौट कर नहीं आएंगे, कहीं और चल मेरे दिल यहाँ, कभी लौट कर नहीं आएंगे, मिली दिल लगाने की वो सजा, मिली दिल लगाने की वो सजा, कि कहीं भी दिल न लगाएंगे, उसे क्या पता कि वफा है क्या, जिसे बेवफाई पे नाज हो, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो वो जमाना, खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज हो, तेरे प्यार ने का सहारा है, अगर ये टूट गया तो मैं तुझे साबित नहीं छोड़ूंगा। अरे टूट जाने दो मामा, मैं तो नहीं टूट गया, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा हूँ। अरे मैं तेरी हड्डी पसली अलग करूंगा, पता देवर कहाँ, पता देवर कहाँ, मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं मालूम, नहीं चुराया, नहीं चुराया। अच्छा रामू, अरे
लपक कर थाने चला जा और इंस्पेक्टर शेख को बुला कर ला। अरे ठहरो मामा, इंस्पेक्टर शेख का तो ट्रांसफर हो चुका है। अरे मैं उसे फिर बुला लूंगा। जा। अरे ठहरो रामू, इसको रोको। मामा मैं बताता हूँ, वो टिंगू है ना होटल वाला, वो 3 फुट 2 इंच तो गहने उसके पास रखे हुए हैं। उसके पास? कान खोल कर सुन ले, शाम तक गहने अगर इस घर में ना आए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। किसके हवाले? पुलिस के हवाले। चल भाग। राजू भैया, राजू भैया, मैंने आपको बहुत पुकारा, आपने सुना ही नहीं। फरमाइए। मुझे आपसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? मैंने कई दफे आपके इंसल्ट किए ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं। बात तो है भैया। अरे राजू भैया सुनो तो। क्या बात है? भैया ये लोग है ना, ये शीला के मम्मी डैडी मोटे छोटे, इन लोगों ने मेरे जेवर छीन लिए। ना बाबा, मैं इस झगड़े में नहीं आता। नहीं भैया, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो, नहीं तो मामा मार मार के मेरा हलवा बना देगा। तो तुम जेवर लाए क्यों थे घर से? मैंने सोचा शीला पहनेगी तो देखूंगा कैसी लगती है, मेरी हेल्प करो। आओ मेरे साथ। ओह ओह थैंक यू मिस्टर छैला, प्लीज मुझे तंग न करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। भैया तुम मुझे जेल से बचा सकते हो, पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारा दोस्त है। भैया भैया मेरी बात तो सुनो। लेकिन तुमने चोरी का माल क्यों लिया? भूल हो गई भैया, भगवान के लिए मुझे बचाओ। तो तुम सारी चीजें अपने घर से हटा दो ताकि जब तलाशी ली जाए तो घर में से कोई चीज बरामद नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में कोई ऐसी चीज नहीं है भैया। घबराते क्यों हो? जिसके घर से माल निकलेगा वही पकड़ा जाएगा। अरे मैंने सोचा ही नहीं। मिस्टर राज, इस लोगों ने चोरी किया है? जी हाँ, बहुत बड़ी चोरी की है। हमको पहले दिन डर था, ये चोर है, बदमाश है, लूट भरे। क्या चीज चोरी किया है इसने? बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के बंगले में से जेवर चुरा के लाया। जेवर? हाँ जेवर, जो तुम लोगों के घर में है, सब पकड़े जाओगे। क्या कहा? हाँ भैया, इन्हीं के पास इन लोगों ने चोरी करने को कहा था। सच है मिस्टर लड़कू? ना झूठ है। बट ये अपने आप जेवर लेके इधर आ रहा था। झूठ बकते हैं आप लोग। शट अप यू लोफर के बच्चा, चट्टी मरा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग लड़ो आपस में, ये मामला तो बहुत आगे बढ़ चुका है। मिस्टर लड़कू मेरा बिल बनाइए, मैं चला यहाँ से। राज डार्लिंग, बेटा राज प्लीज हेल्प करो, हम तुमको जेवर देगा। डार्लिंग हमारा हेल्प करो राज डार्लिंग, हम किधर का भी नहीं रहेगा। शीला शीला डार्लिंग, कम हियर। तुम ये सब जेवर काहे को पहना है, उतार दो। नहीं उतारूंगी मम्मी। हम बोलता है तुम पागल हो गया है। अरे चोरी का माल है। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ डैडी? हम बोलता है उतार दो नहीं तो अपन को पुलिस ले जाएगा। शाबाश, फेंको फेंको, अपने को नहीं मानते ये लफड़े वाला चीज। और डार्लिंग आई एम सॉरी डार्लिंग, हम जल्दी जल्दी उतारते हैं, फेंको, हम तेरे को लंदन से सेट मंगा के देंगे। ठीक है ठीक है, नाउ यू हैप्पी? मामा 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 मामा, क्या है क्या है? अरे मामा डंडा नहीं मार रहा। मामा ये देखो जेवर ले आया हूँ, देखा शाम से पहले ले आया हूँ। पूरे हैं ना? अरे मामा गिन लो, एक आध ज्यादा होगा कम नहीं होगा। मामा वो जो टिंगू था ना, वो अकड़ रहा था, मैंने उसे फुटबॉल की तरह यूं मारा, 2-3 रेस्टे मारे, और आप जानते हैं जब मुझे गुस्सा आता है मैं क्या हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, मगर ये जेवर उसके पास पहुंचे कैसे? क्या बताऊं मामा, हार्ट ट्रबल। हार्ट ट्रबल? हाँ मामा, वो टिंगू की बेटी शीला है ना। मामा ये हार्ट का मामला आप ही दूर कर सकते हैं। देखो ना मामा जी, जब मीना बहन की शादी हो जाएगी तो ये घर सूना और वीरान हो जाएगा। और मामा जी जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपको जुलाब कौन देगा? अच्छा अच्छा, मैं टिंगू से बात करूंगा। ओ मामा यू आर ग्रेट। अरे अरे अरे, थैंक यू वेरी मच, जिंदाबाद मामा। अरे संभाल अपने जोश को, मैं शीला नहीं हूँ। ओह सॉरी मामा, माफ करना, मैं जरा जोश में आ गया। हाँ हाँ आप संभाल। आइए आइए, दरवाजा खुला है। भैया बोला नहीं कहिए। आप बंबई से आए हैं ना? मुझे कुछ काम है आपसे। काम आपको मुझसे? आइए 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 भैया, माफ कीजिएगा, आप बैठिए।
क्या पीजिएगा, ठंडा या गर्म या दोनों मिक्स? नहीं, गर्मी का जमाना है, ठंडा ही पीजिए। दो खरा घोड़ा, दो कोल कोला। आप म्यूजिक जानते हैं ना? म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक छुपाइए। मैं जानती हूँ आपका संगीत मंडल है। मंडल नहीं, बंडल बंडल सब बंडल है जी। जी आपका नाम श्याम बाबू है ना? नहीं तो माधन डोलू पानू दगड़ फोड़े राणा कोल्हापुर का। ये रूम नंबर 21 है ना? नहीं 20। नहीं 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 नहीं। वैसे मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है श्याम बाबू। हाँ हाँ होना ही चाहिए, जवानी खुद क्या है म्यूजिक। आप में कशिश खूबसूरती है, इस पे म्यूजिक का हल्का सा नशा छा जाए तो सोने पर सुहागा। हाँ हाँ ये मेरा जिम्मा, मैं तुम्हें म्यूजिक की शहजादी बना दूंगा। हिंदुस्तान तो क्या, यूरोप और अमेरिका में तुम्हारे नाम के डंके बजेंगे और सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पर निछावर हो जाएगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बचा, बचा। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तुम जा। लेकिन अगर हो जाता तो मैं जिंदगी भर मुंह दिखाने के लायक न रहती। गुंडा कमीना जलील मुझ पे हाथ मार रहा था। जी जी मैं नहीं जानती थी वो इतना जलील आदमी है। मुझे अगर मालूम होता ये आदमी है तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात न करती। किससे बात नहीं करती बेटा, क्या किसी से झगड़ा हो गया है? नहीं तो अंकल, नहीं तो। ये लो तुम्हारे जेवर, जरा ठीक से देख लो। वाह अंकल, देखने की खूब सही। तुम नहीं जानती बेटा, खैर ये जवाहर से मिलकर नाटक खेलने की कोई जरूरत नहीं। नाटक? मुझे सब मालूम है। मीना का बर्थडे हो जाने दो, मैं कर्नल साहब से खुद मिलकर सब ठीक कर दूंगा। हैं? चल अरे राजू ढूंढू तू। हाँ यार ये सब क्या है? अरे मेरा जो है वो है, तेरा ये क्या हो गया है? मेरी क्या पूछता यार, वो कहा लाल हवेली इतनी हवेली, वो बाई कोई क्या बात था? तू सच कहता था यार, ये दुनिया में ये प्यार व्यार सब फालतू है, कुछ नहीं। हाँ मैं समझ गया, ये सब कार्रवाई उस मेरे पड़ोस वाले की। पड़ोस वाले की? हाँ वो कौन? मेरे पड़ोस में रहता ना वो आ गया। अविनाश यस सर, वो लड़की हमसे पहले पहुंच गई होगी ना? यस सर। आप मेरे साथ। हाँ लगता तो वही वही है, लेकिन दाढ़ी कुछ बड़ी है, बाल कुछ सफेद हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि दाल में कुछ काला है। फिर उस दाल में से वो काला निकाल कर दाल पीनी चाहिए। मतलब ये कि धंधा चालू। मिटाओ जमाने से नफरत मिटाओ, जरा मोहब्बत के और प्यार के गीत गाओ, क्योंकि हर एक बुराई का अरे अंजाम बुरा होगा, अगर आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। हर एक बुराई का अंजाम
तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो। खोल कर कान आवाज़े दुनिया, अरे राम वालो अरे रहमान वालो, सितम है मनुष्य राक्षस रूप धारे, तो फिर हमसे चौपाए अच्छे हैं प्यारे, नहीं मारता जानवर जानवर को, कयामत है इंसान इंसान को मारे, कयामत है इंसान इंसान को मारे, कयामत है इंसान इंसान को मारे। हर एक बुराई का अरे अंजाम बुरा होगा, अगर आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो। अंजुमन में रहे सभी खुश राम जी के वतन में, रहे हमसे राजी महावीर गौतम, बहारे हो ख्वाजा पिया के चमन में, उठाओ तो गिरते कुओं को उठाओ, न चाकू न खंजर न बरछी न भाला, यह आज इंसानियत का तकादा, मोहब्बत का हर घर में कर दो उजाला, मोहब्बत का हर घर में कर दो उजाला, मोहब्बत का हर घर में कर दो उजाला। हर एक बुराई का अरे अंजाम बुरा होगा, अगर तुम आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो। आंखों से अब नूर छीनो, अनाथ और यतीम अब न बच्चे बनाओ, न बहनों की मांगों का सिंदूर छीनो, तुम्हें शिव का और राम का वास्ता है, ब्रह्मा का घनश्याम का वास्ता है, गणेश और नानक की सौगंध है तुमको, तुमको मोहम्मद के पैगामों का वास्ता है, मोहम्मद के पैगाम का वास्ता है, मोहम्मद के पैगाम का वास्ता है। अरे हर एक बुराई का, हर एक बुराई का अंजाम बुरा होगा, अगर तुम आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। हर एक बुराई का अंजाम बुरा होगा, हर एक बुराई का अंजाम बुरा होगा, हर एक बुराई का अंजाम बुरा होगा, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो होगा, आपस में लड़ोगे तो बैरों का भला होगा, आपस में लड़ोगे तो। आइए आप लोग सब खाने के कमरे में तशरीफ लाइए। जिसकी बर्थडे पार्टी वो कहाँ गई? मीना कहाँ है? अरे अभी यहीं तो बैठी थी, कहाँ गई? कहाँ गई? चलो राजू मीना को उठा देंगे। क्या मीना को उठा के ले गए? आए अब क्या होगा? हमने क्या था? मैंने फिर शुरू हो गया। चल तू अच्छा
जल्दी जाना, चलो जल्दी चलो। संभालो उसे। ये क्या है? पिस्तौल। पिस्तौल। मर गए। अरे। अरे। Thank you.
करना क्या अभी वो पीला मैं चलो फिर चलिए चलो क्यों बेटा कुछ पता चला वो बदमाश मीना बहन को लेके बंबई भाग गया है अंकल घबराइए मत मुझे कि मैं जानती हूँ जानती हो जी हाँ चलिए मेरे साथ चलो जल्दी Thank you.
ठीक तो है ना बेटा? शुक्र भगवान का, उसका इज्जत रख ली मामा जी। माय डियर मामा जी, मेरी भी इज्जत रख लीजिए, मेरी भी शादी। मुझसे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है शीला के डैडी से मेरे विवाह की बातचीत कर दीजिए। सुबह का रात शाम को गाता है। अबे यहाँ शीला के डैडी हैं। आए हैं? कहाँ है? अरे यहाँ नहीं, वो जहाँ है वहाँ बातचीत हो। अब घर चल। अच्छा, आओ बेटा, आओ आओ, तुम भी आओ बेटा। ये 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 तू सगन डालो मारते क्या होना? क्या मतलब ये है कि तुम सबका हो गया है ठिकाना, मेरा ठिकाना क्या होगा? तेरा ठिकाना भी कराता हूँ। चल चल आ जा भैया। चल तो सही है। देखो जी बहके न चाल संभाल के, देखो जी बहके न चाल संभाल के, रास्ते में दिल वाले लाखों पड़े हैं, रास्ते में दिल वाले लाखों पड़े हैं, आता है क्या क्या ख्याल संभाल के।